इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इस वीडियो के ऊपर शेयर नहीं रुकनी चाहिए। दबा के शेयर करो इस वीडियो को, क्योंकि काम ही ऐसा किया है नेपाल की इस लड़की ने। मैं कहूं कि इंडिया के अंदर कोई जरा सा एक आध सॉन्ग भी सुनने वाला होगा तो उसने इस लड़की को तो सुना ही होगा, जरूर सुना होगा। और एक्चुअल में इंडियन आइडियल के अंदर अब तक जितने भी रिकॉर्ड बने हैं वो सारे क्रैश होने वाले हैं, और ये चीज़ पहले दिन से ही शुरू हो चुकी है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। कौन है ये नेपाल की लड़की, एक्चुअल में कहां से आई है और इतना टैलेंट कैसे रखती है, क्योंकि पूरे इंडियन आइडियल को हिला के रख दिया है इस लड़की ने, सारे के सारे जजस को रुला के रख दिया है इस लड़की ने, चर्चाओं का बड़ा विषय बनकर खड़ी हो गई है ये लड़की। तो इसके बारे में कंप्लीटली जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूं। पहले मुझे लग रहा है कि ऐसा शायद ही कोई होगा जो इनके बारे में नहीं जानता होगा, लेकिन फिर भी ये बनता है। इनका नाम है मेनुका पोडेल और इनका जो पेशा है, जो पैशन है, वो है गायन, यानी कि सिंगर हैं ये। और अगर इनके जन्म की बात करें तो 16 अक्टूबर 1998 के अंदर इनकी जन्म हुआ और अब ये यहाँ पे 25 साल की हो चुकी हैं। जन्म स्थान की बात करी जाए तो झापा में इनका जन्म हुआ, नेपाल के अंदर, यानी कि नेशनलिटी इनकी नेपाली है और घर नगर भी इनका झापा नेपाली है, ये वहीं पे रहती हैं। इनके परिवार के बारे में अभी तक कोई जानकारी मिली है नहीं, लेकिन उनका स्टेटस है यहाँ पे अविवाहित, धर्म के अंदर हिंदू धर्म बिलोंग करती हैं ये। और इनकी पढ़ाई की बात करें तो दुर्गा हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर पढ़ी हुई हैं। वैसे देखा जाए तो ये ब्लाइंड है, लेकिन लोगों की आंखें खोलने के लिए इनका टैलेंट बहुत ज्यादा है। पहले शो की अगर बात करी जाए तो टेलीविजन नेपाल आइडियल 2018 के अंदर उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी हायर करनी शुरू करी थी। अगर इनके पुरस्कारों की बात करें अब से पहले की, क्योंकि अभी भी ये जीत चुकी हैं एक पुरस्कार, रेडियो नेपाल गायन प्रतियोगिता के अंदर ये विजेता रही हैं। और इस लड़की की आवाज अगर आपने सुन ली तो मतलब आप दीवाने हो गए इस लड़की के, या फिर इस लड़की के गायन के दीवाने हो गए। कुछ ऐसा ही इंडियन आइडियल के अंदर हुआ जब इस सीजन के अंदर ये पहुंची और उन्होंने अपना गाना गाया। भगवान से रिलेटेड ये गाना था जिसके अंदर ये कहती हैं कि भगवान अगर तू ही नहीं संभालेगा तो फिर कौन संभालेगा। एक्चुअल में ये जो लाइनें, इनके गाने का अंदाज, इनकी जो लिरिकल वैल्यूज, इनकी जो म्यूजिक के ऊपर टिके रहने की क्षमता, इनकी जो पूरी बॉडी से गाने का लहजा, सारे के सारे इंडियन आइडियल को इतना ज़्यादा भाया कि वो रोने तक लग गए। जिस तरह से इमोशनल गाना था और उसके अंदर इमोशन यहाँ पे रखे हैं गाने के अंदर, एक एक इंडियन आइडियल का जो यहाँ पे जजेस था वो रोता ही रह गया। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही गाना खत्म होता है कुछ टाइम तो आंखें पूछने में लग गई उन जजेस को जो कि इतने टाइम तक इसका गाना सुन रहे थे। उसके बाद यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं बोला जजेस ने कि माइंड ब्लोइंग, और जहां तक बोल दिया कि हमने अगर म्यूजिक के अंदर कोई भगवान है तो उसके दर्शन कर लिए हैं आज उनके। उन्होंने कहा कि हमने आप, यानी कि मेनुका पोडेल के अंदर वो चीज दिखाई दे गई है जिस तरह से आपने गाया है, माइंड ब्लोइंग है ये सारा का सारा सिस्टम। उसके बाद जजेस्ट आते हैं यहाँ पे मेनुका के पास में और मेनुका के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं। सिलेक्शन उनका तो आप सोच ही सकते हैं कहाँ रहने वाला था, हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ी बात, इससे पहले कोई कंटेस्टेंट था क्या? अगर था तो उसका रिकॉर्ड टूट गया, क्योंकि यहां पे मेनुका ने सो वेल डिजर्विंग, जो यहां पे माइक होता है गोल्डन माइक जिसे कहा जाता है, इंडियन आइडल का सबसे किफायती तोहफा हम कह सकते हैं, वो पहले ही शो के अंदर, एंट्री शो के अंदर यहाँ पे उन्होंने जीत लिया है। और इसका रीजन ये है कि उन्होंने दिल जीता है। और इसके बाद यहाँ पे जैसे ही उनके गाने आते हैं वो फेम बनाने में कामयाब हो चुकी हैं, और कहीं ना कहीं जिस लहजे से वो गा रही हैं, जिस
तरह वो आगे बढ़ रही है इंडियन आइडियल के अंदर। कन्फर्मली ये कहा जा सकता है कि मेनुका पोडेल इंडियन आइडियल 2023 की विनर रहने वाली हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना, लगता है अपडेट मिलता है फिर आपके सामने आ जाऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। शेयर जरूर हो जाना चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे भी।